नमस्कार दोस्तों, आज के मेरे इस YouTube सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में मैं आज आप लोगों के साथ मॉर्निंग रूटीन के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगी और ये बताना चाहूँगी कि एक मॉर्निंग रूटीन का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है और वो कैसे हमारी ज़िंदगी, हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल और फिज़िकल स्फीयर्स को टच करता है और कैसे उनको चेंज कर सकता है और उसमें क्या ताकत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में आपने जो सोचा हुआ है वो सारी चीज़ें आप अचीव कर पाते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन सभी के अगर जीवन के बारे में अगर जानने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि वो सभी के सभी लोग अपनी लाइफ में एक सिंपल सा फार्मूला फॉलो करते हैं कि उनका जो मॉर्निंग रूटीन है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। अब बात है, बेहतरीन मॉर्निंग रूटीन है तो वो कैसा होना चाहिए। तो बेहतरीन मॉर्निंग रूटीन का मतलब है कि आपको साधारण लोगों से, जो लोग अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल ढुलमुल तरीके से जी रहे हैं, उनसे कुछ अलग करना होगा। और अलग करने का मतलब यहाँ है कि आपको अपने दिन की शुरुआत थोड़ी सी जल्दी करनी पड़ेगी। जल्दी, जैसे मैंने पाया कि जब मैंने एक अच्छे मॉर्निंग रूटीन की शुरुआत की तो मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स ये थी कि मैं वर्किंग हूँ, तो वर्किंग होने की वजह से मेरे पास सुबह टाइम नहीं होता था वर्कआउट करने के लिए और सेल्फ एनालिसिस के लिए और मेडिटेशन के लिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप जो लेना है वो आपको अर्ली मॉर्निंग उठने की जो आदत है वो अपने अपने मॉर्निंग रूटीन के अंदर डालनी पड़ेगी। और अर्ली मॉर्निंग उठने का जो फ़ायदा है उसका फ़ायदा आपको विद इन 15 डेज़ आप रियलाइज़ करेंगे कि आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो गई है। कैसे बदलनी शुरू हो गई है कि आप अपने दिन की जो शुरुआत है वो 4:30 बजे या 4:45 बजे उठने से कीजिए। 4:30 बजे 4:45 बजे जब आप उठते हैं तो उससे आपको बाकी लोगों के कंपैरिजन में एडिशनल 2 घंटे ज़्यादा मिल जाते हैं। बाकी लोग तो अभी सो रहे हैं लेकिन आपने अपने दिन की जो शुरुआत है 1.5 से 2 घंटा पहले कर ली है, तो वो जो 1.5 से 2 घंटा जो पहले शुरुआत करने वाला जो वक्त आपको मिलता है उसको मैं कहती हूँ कि वो वक्त मैं अपने लिए तो उसको मी टाइम के तौर पे ही डिफ़ाइन करती हूँ। मी टाइम क्यों है? क्योंकि मैं उस टाइम पे वो सारी चीज़ें कर सकती हूँ जो चीज़ें मैंने कभी सोची हुई थी और मैं नहीं कर पाती थी। तो मेरी जो दिन की शुरुआत है, मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे या 4:45 बजे उठ के करती हूँ। उसके बाद मैं नित्य दिनचर्या के फ्रेशन अप होने का कार्य करती हूँ और अप्रॉक्सीमेटली 5 बजे मैं एक रूटीन में मैंने अपनी आदत बना ली है कि अब मुझे ओरल हाइजीन पे अच्छा से फोकस करना है। सिंपल ब्रशिंग से आपका एक अच्छा ओरल हाइजीन नहीं अचीव हो पाता है, तो बहुत सारी रिसर्च और सर्चिंग से मैंने पाया अगर आपको अच्छी ओरल हाइजीन चाहिए तो आपको ऑयल पुलिंग है वो सबसे पहले करनी चाहिए। ऑयल पुलिंग क्या होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। ऑयल पुलिंग के बाद आप ब्रश कर लीजिए। ब्रश करने के बाद मैं 5 मिनट की अपनी फेस मसाज करती हूँ। फेस मसाज कैसे करनी है, उसके क्या फ़ायदे हैं, वो आपको एक ग्लोइंग और एंटी रिंकल इफ़ेक्ट देगी, आपकी बॉडी आपके इस फेस को ग्लो प्रोवाइड करेगी। तो वो कैसे करनी है उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये जो सारे काम हैं मेरे 5:30 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं। 5:30 से 6 बजे मैं मॉर्निंग वॉक करती हूँ। मॉर्निंग वॉक करने से मुझे एक तो फ़ायदा ये है कि मेरा एयर कॉन्टैक्ट बढ़ता है, मुझे ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है और उससे मुझे एक एनर्जी मिलती है, बूस्ट मिलता है ताकि मैं अपना आगे का आधे घंटे का जो फिज़िकल वर्कआउट है या योगा ट्रेनिंग है वो अच्छे से कर पाती हूँ। और बॉडी के सारे सेल्स हैं और सारे पार्ट्स से वो रिचार्ज हो जाते हैं, एनर्जाइज हो जाते हैं और फिर उसके बाद एक किस्म से वो स्ट्रेचिंग का काम भी करता है। तो फिर उसके बाद मैं आधे घंटे का योगा या कभी मैं स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ, कभी एब्स वर्कआउट कर लेती हूँ, कभी मैं अपने थाइस के लिए, लेग्स के लिए, लोअर बॉडी वर्कआउट कर लेती हूँ, कभी अपर बॉडी वर्कआउट कर लेती हूँ, तो उस आधे घंटे में वो कंप्लीट करती हूँ। फिर उसके बाद ये वर्कआउट ख़त्म होने के बाद हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई हूँ कि मॉर्निंग वॉक पे जाने से पहले मैं एक गिलास गर्म पानी के अंदर आधा नींबू निचोड़ती हूँ और रात को भीगे हुए चिया सीड और फ्लैक्स सीड जो मैंने भिगो के रखे हैं वो डाल के वो ड्रिंक पी के फिर मैं अपनी वॉक और अपना एक्सरसाइजेज शुरू करती हूँ।
फिर घर आने के बाद मैं एक डायरी मेंटेन कर रखी है मैंने, मैं उस डायरी में अपने पूरे दिन में मुझे क्या करना है वो सारा लिखती हूँ, कैसे करना है, क्या मेरा अप्रोच रहेगी उस चीज़ को, उस काम को करने की, और वो सब लिखने से मेरा फ़ायदा ये होता है कि मेरे पूरे दिन की प्लानिंग हो जाती है और ये जो सारा काम है वो मुझे हेल्प करता है अपने दिन को, दिनचर्या को सॉर्टेड करने में। इसको मैं लोग इसको मॉडर्न भाषा में इसको जर्नलिंग कहते हैं। तो जर्नलिंग आप लोगों को ज़रूर करनी चाहिए, एक शेड्यूल अपनी लाइफ में बनाना चाहिए कि नेक्स्ट पूरे दिन में हमें क्या करना है। तो अगर लिखा हुआ होता है तो चीज़ों को, टारगेट्स को अचीव, टू डू लिस्ट भी कह सकते हैं, टू डू लिस्ट अगर आपकी होती है तो आपको ईजी रहता है कि आप चीज़ें भूलते नहीं हैं, क्योंकि मेरे साथ ये समस्या है कि मुझे भूलने की बीमारी है, मैं भूल जाती हूँ चीज़ों को, और फिर जब सोते वक्त मुझे याद आती है कि अरे ये रह गया वो रह गया, तो वो जो मेरी समस्या है तो उस समस्या का मैंने समाधान बनाया है कि मैं एक टू डू लिस्ट बना लेती हूँ, तो मैं चीज़ें भूलती नहीं हूँ और मेरा जो पूरा दिन का जो टारगेट है वो एट द एंड ऑफ द चेक लिस्ट मेरा ख़त्म हो जाता है, उस पूरी टू डू लिस्ट के चेक लिस्ट मेरा ख़त्म हो जाता है। साथ साथ इस मॉर्निंग रूटीन में आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ पे भी वर्क करना है। तो मेंटल हेल्थ के लिए आप अपने रूटीन में 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन इंक्लूड करें। तो मैं अपने वर्कआउट को फिनिश जो करती हूँ वो 5 मिनट के ओम चैंटिंग से करती हूँ। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि मुझे अपने मन को शांत करने का एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट मैं ओम चैंटिंग को मानती हूँ। और उसके अलावा भी ओम चैंटिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी कि ओम चैंटिंग से आपकी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आप मेडिटेशन को इंक्लूड करना ना भूलें। तो वर्कआउट के जस्ट बाद आपको 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन जरूर करना है। और मेडिटेशन ख़त्म होने के बाद मैं अपने बच्चों का रूटीन देखती हूँ। जैसे मेरी छोटी बेटी है, उसकी ऑनलाइन क्लास होती है तो उसको ऑनलाइन क्लास के लिए जगाती हूँ और उसको तैयार करती हूँ अपने उसके क्लासेस के लिए। तो ये सब करते करते मेरा जो टाइम है वो 7:30 तक हो जाता है। 7:30 बजे मैं नहाने के चली जाती हूँ और नहाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए एक थोड़ा सा अपने पूजा घर में बैठ के 5-4 मिनट के लिए अपना पूजा कर लेती हूँ। तो उससे मेरा मेंटल पीस मिलता है, सुकून मिलता है। वो डिपेंड करता है आप किस धर्म को फॉलो करते हैं, अपने धर्म के हिसाब से एक प्रेयर कर लीजिए। प्रेयर करने से आपका जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, आप वो डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग होता है और आपको भगवान से एक पॉजिटिव शक्ति प्राप्त होती है जिससे आप अपनी ज़िंदगी को और बेहतर और अच्छा बनाने के की ओर अग्रसर होते हो। फिर 8:30 बजे तक मैं अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ और लंच की तैयारी जो प्रिपरेशन करनी होती है वो प्रिपरेशन कर लेती हूँ। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम मेरी 8:30 या 9:30 10 इस तरह से मेरे ऑफिस वर्क की शुरुआत होती है। तो मैं अकॉर्डिंगली अपना डे आगे का डे जो है वो प्लान करती हूँ। तो इस तरह से मेरा ये पूरा मॉर्निंग रूटीन रहता है। तो इस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ है, इससे ये फ़ायदा हुआ है कि जो काम मैं 7:30 बजे या 7 बजे उठ के शुरू करती और वो ख़त्म मैं नहीं कर पाती, अब वो काम मैं अपने सारे काम मैं 7 बजे तक ख़त्म कर लेती हूँ और मेरी लाइफ सॉर्टेड हो गई है, मेरी फ़िज़िकल हेल्थ इम्प्रूव हो गई है और मेरा मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो गई है, क्योंकि मैंने अब अपने शेड्यूल में फ़िज़िकल वर्कआउट और मेडिटेशन सबको इंक्लूड कर लिया है। दूसरा, टू डू लिस्ट बनानी शुरू कर दी है तो मैं अब जल्दबाजी में नहीं होती, मुझे पता होता है मुझे पूरे दिन में क्या करना कैसे करना है। तो ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन। इस तरह से अगर आप अपनी लाइफ में मॉर्निंग रूटीन को शामिल करेंगे तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में भी इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहेगा और आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी और आप अपनी ज़िंदगी में जो आपने सोचा है फिज़िकल फ्रंट पे, फिज़िकल हेल्थ इम्प्रूव करने के फ्रंट पे, या अपने पर्सनल फ्रंट पे, या अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे जो भी सोचा है वो आपके सारे टारगेट्स आप अचीव कर पाएंगे। उम्मीद है आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस कंटेंट को देख पाएँ। धन्यवाद।